अभी हम लोग निकले हैं घर से, बहुत लेट हो गया। हम लोग जाएंगे पापा के पास मिलने। दो तीन दिन से दुकान भी बंद करके रखे हुए हैं। बाबा ससुर जी का आप सेवा नहीं कर रहे हैं अच्छे से? कैसे मलेरिया हो गया? अदरा शूटिंग है, ठीक है, पापा के लिए। तो नहा नहा के पूरा रेडी हो गए हैं हम। मैंने इसमें लगी बहुत एक्टिंग करके बात करने जाके। तो अब भी सुबह ही उठ गए थे और पूजा पाठ भी हो गया, हम लोग देख लियो। और एक सेकेंड एक चीज़ दिखा दो, यहाँ पे मेरी बेटी हैरानी सो रही है और कंटिन्यू मुंह में उंगली घुसा के जैसे, मतलब जैसे रहती है वैसे। उसके बाद इन लोगों को देखो, अभी नहीं उठने वाला है लोग। ये लोग जब तक 11 नहीं बजेगा तब तक कोई नहीं हिलेगा। फिर बोलता है हम तो उठ जाते हैं। जी 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 जी, 11 नहीं मतलब 10, अभी 9:30 हो रहा है, 10 बजे उठेंगे ये लोग। सुबह सुबह मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, अभी बस चिमनी चालू करेंगे और मेरा जो काम है। एक सेकंड, हम ना फ़ोन के ही सेट करते थे, नहीं तो हम कंटिन्यू बात ही नहीं कर पाएंगे आप लोगों के साथ। आज बनाएंगे नाश्ते में मैगी। रोज़ नाश्ते में हम अलग अलग चीज़ बनाते हैं, तो कल सैंडविच बनाए थे, परसों बनाए थे वो ओट्स का पराठा, जो कि ओट्स का चीला भी बहुत लोग बोलता है। और ये रेसिपी हम वैद्यदी से सीखी है, वैद्यदी हमको सिखाई है, बहुत टेस्टी था, हेल्दी भी था बिल्कुल। तेल मेरा मतलब मेरा जो तवा है ना, नॉनस्टिक तवा है, हमको एक चम्मच तेल में मतलब 6 पराठा सेक ले रहे थे एक चम्मच तेल में, फिर तवा में तेल देना पड़ रहा था, फिर 6 पराठा सेक रहे थे ऐसे। मतलब 3 चम्मच में हमको लगता है कि सब मतलब 15 पराठा बना, 3 चम्मच में हमको लगता हो गया था। तो चलो, और दोपहर में ना अभी हम लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, चावल बहुत कम कर दिए। बहुत मन करता है चिकन बनता है या अंडा बनता है ना, तब भी पर मतलब बनता है चावल, बाकी चावल नहीं बनता है। और मायरा के लिए अगर हम चाहे तो एकदम थोड़ा सा चावल लेते, एकदम थोड़ा सा। रोटी ज़्यादा खाते हैं हम, शेखर साहब का रोटी ही आदत हो गया दोपहर में भी। तो सुबह आके हम किचन ऐसे साफ देखते हैं ना, काम करने में बहुत मज़ा आता है। चलो जल्दी जल्दी मैगी बना देते हैं। मायरा का टिफिन ना आज हम सोचते हैं हलवा बनाएंगे, मायरा को भी टिफिन चेंज करके देते हैं, कभी दूध एग दे देते हैं एग बॉईल करके, नहीं तो फिर कभी हलवा दे देते हैं, कभी पोहा दे देते हैं, कभी मैगी, क्योंकि मैगी स्कूल लेके नहीं जा पाती है तो मैगी इधर ही खिला देते हैं। और आप लोग ये मत सोचो, और आप लोग को भी हम सजेस्ट करेंगे डेली मैगी मत देना बेबी लोगों को, अच्छा नहीं होता है। पहले तो हम बहुत मैगी खिला देते, मायरा को बहुत बोलते, मतलब जब भी सोचते थे कि क्या बनाए क्या बनाए, मैगी दिमाग में आता था, मैगी बना दो बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैगी बना देते थे। लेकिन बिल्कुल भी अभी फिर हम कुछ वीडियो देखे ना, मेरा माइंड पूरा मतलब ये हो गया, तो हम क्या करते हैं हफ्ते में एक बार टेस्ट चेंज करने के लिए ना उसको मैगी दे देते हैं। तो कल ही मैगी देते, तो आज उसके लिए मैगी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आज हम सोचे हलवा बनाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ना दूध आता है, दूध नहीं देने आए हैं, दूध थोड़ा अभी लेट करके आता है पता नहीं क्यों। और इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करना क्योंकि घर पे काम चला, आपको पता ही है। कैप्सिकम से ना धुआं निकल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ी इसे तुरंत निकाले ना, इसलिए वो ना वो जो तार है वो वाईफाई का तार है, पता नहीं कब लगेगा, आज शायद आए मतलब आएंगे वाईफाई लगाने अंकल लोग। मामपीट और राहुल वाला व्लॉग जाके देखो, बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। हम लोग निकले हैं घर से, बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब मायरा के वजह से लेट हुआ एकदम। उठ मतलब 9 बजे हम उसको उठाए, हम 7:30 बजे उठे, काम करते करते मेरा 9 बज गया, मायरा को 9 बजे उठाए, क्योंकि हम सोचते ना कि
देखो ब्रश करते करते खिलाते खिलाते 11 बजे का, फिर 11 बजे उसको रेडी करके आराम से 11:10 में निकलेंगे, आराम से पहुंच जाता है उसका स्कूल एक टाइम में। आज उठ के इतना घनर 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 करती, मम्मा गोदी लो मम्मा गोदी लो, टिफिन कैसे बनाए, इसको कैसे पकड़े, लास्ट में सबका नाश्ता बनाया, मायरा का नाश्ता। मायरा का ना दो टाइप का बनता है, जैसे कि वो एक ही खाना दो डबल टाइम खाएगी ही नहीं, उसको अगर जो अभी खिला के जो टिफिन में देते हैं से लेफ्ट है ना मम्मी, नहीं अभी नहीं बाबू अभी नहीं, इसके आगे वाला गली वन वे हो जाता। हाँ यहीं पे तो, यहीं पे यहीं तो था बाबू। देखिए हम ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल जाते हैं, यही वाला बाबू यही वाला। कितना बजा? 12 नहीं बजा ना अभी, ये तो घुस रहा है, घुस रही वाला, घुस रहा भाई। 12 बजे के बाद होता है, वन वे हो जाता है। हाँ उधर से फिर आने के लिए बस। हाँ बाबू तब 5 मिनट ही मायरा का स्कूल में लेट होगा, अगर इधर से हम लोग जाएंगे ना तो 50 तक पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ 45 हो रहा है ना, 47 पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं खाते, पता नहीं उसका मूड में क्या हो गया, मैं तो खा ही नहीं रहती। लास्ट में जैसे तैसे शेखर बाबू एकदम कुदरा कुदरी करके उसको एक ग्लास दूध और एक खिलाए, कुदरा कुदरी मतलब उछाल कूद करके। यार तुम बोलती हो कुछ भी मेरा लैंग्वेज ही ऐसा। तो उसके खिलाने के बाद गाड़ी में मायरा को रेडी किया स्कूल के लिए, कपड़ा लेके गाड़ी में रेडी किया, और अक्षय भी आ गया, ये पूरी गया था तो प्रसादी लाया था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए चलो उसको छोड़ के आता है। फिर मेरी पापा को बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है, अभी हम लोग जाएंगे पापा के पास मिलने, क्योंकि 3-4 मतलब हम पापा को मिल के ही आए थे। पापा का जब बुखार हुआ था ना मिल के, हम व्लॉगिंग नहीं कहते हमको, मतलब मलेरिया हो गया पापा को, और दुकान भी बेचारे 3 दिन बंद किए, बहुत टेंशन में। मतलब टेंशन क्यों कर रहे हो बेफालतू, मेरे पापा टेंशन लेते हैं। तो फिर पापा को हमको देखने का मन कर रहा है, बोले कि आओ ना मिल, हमको देखने नहीं आएगी, हमको 3 बार फोन करके बोले, मेरे पापा आ रहे हैं शाम तक आएंगे, क्योंकि हमको ना घर पे खाना वगैरह भी बनाना था। मार के स्कूल आ गया मम्मी, आ गया। हाँ तो इसलिए पापा बोले शाम तक, लेकिन बाबू बोले नहीं अभी चलो हम भी मिलेंगे। हम बोले ठीक है चलिए, अच्छा है आके फिर खाना बनाएंगे। अक्षय सीधा से निकाल लेंगे कि टर्न करके निकालेंगे? सीधा मायरा का स्कूल बात करते रास्ता पता है ना। हाँ, 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 मम्मा आपका स्कूल आ गया, हाय कर दो, हाय। और आज और एक कांड हो गया, मायरा को स्कूल छोड़ के फिर बताते हैं। तो मायरा को स्कूल छोड़ के आ गए हैं, हुआ क्या, मायरा को ना जब बहुत देर हो जाता है, बोला ना मायरा एक टिफिन नहीं खाती है, उसको 2 टिफिन बनाना पड़ता है। तो आज ना ऐसा बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया, सबका नाश्ता बनाया, मायरा को खिलाते के लिए लेट हो गया। तो हम सोचे कि मायरा को चलिए मियो मोड़ से टिफिन दे देंगे, कभी कभी लेट होता ना तो मायरा का टिफिन हम मियो मोड़ से ही लेते हैं। मियो मोड़ में ना 15 रुपए में छोटू सा एक चिकन, पता नहीं क्यों खराब, मतलब हम ये अच्छा ये तुम्हारा चला जाएगा अलीपुर साइड वाला चिकन पफ मिलता है, छोटू सा चिकन पफ मिलता है, मतलब एक मिलता 15 रुपए में, हम 2 लेते हैं राइट राइट वाली। और मिठाई कोई भी मिठाई ले लेते हैं या केक, ठीक है ऑप्शन मिल जाता है मिठाई या केक। हां लेफ्ट लीजिए, टर्निंग दिया हुआ। तो हम क्या किए वही आज भी सोचे बाबू चले लेट हो गया, मियो मोड़ से टिफिन ले लेंगे मायरा का, मायरा वो पफ खाना पसंद करती है। आप सामने सीधा ले, तो बाबू बोले कि चलो, तो बाबू हमको बात ही नहीं करने दे रहे, लोग इतना बकड़ 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 कर रहे हैं। अरे तो रूम पता कर रहे हैं, अब तुम जाके मम्मी अभी जूता ले लेना आते हैं। ठीक है ले लेंगे। तो बाबू बोले कि चलो ले लेना, हम गए उतरे मियो मोड़ गए, मियो मोड़ बंद था, तो मतलब टूट रहा है तोड़ रहा है, हम बोले कि यहाँ पे मियो मोड़ तक आ गए। फिर एक अंकल को पूछा, अंकल बोले कि वो तो तोड़ मतलब जो टूट रहा है ना वही दुकान है, अभी कुछ नया कुछ हो। व्लॉग के बीच में कॉल आ गया था एक, तो फिर बगल वाला एक दुकान था उधर से हम लिए मिठाई वगैरह, फिर हम मतलब फिर ले लिए, फिर टेंशन हो रहा था दुकान बंद था, तब तो हो गया मेरा। तो बात करते करते आप लोगों के घर तरफ भी आ गया, मतलब बाद 2 मिनट बाकी फिर पहुंच जाएंगे अपना घर। और मारा को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग चले आए पापा को देखने के लिए, और 2-3 दिन से दुकान भी बंद करके रखे हुए हैं। हमको क्या बोले पता है, हमको देखने नहीं आएगी, जैसे बच्चा लोग बोलते मेरा बुखार आया, और फिर गुस्से भी करती है हमको, हम बीमार है, हमको कोई फोन नहीं किया, हमको कोई नहीं पूछा। पागला बाबा, पागला बाबा, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, ओटा हम ना खाई दो, एकदम खाओ ना, एकदम भात खाओ, পরে খাবো এখন। দেখো দেখো তোমার লোভ লাগবে। না না আমার কিছু খেতে ভালো লাগে না। কি হ্যাঁ बेक रसगुल्ला, बहुत टेस्टी है। हट अपने खा रही हो, उसको चाट रही हो, फिर वही हाथ से देखे, 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 देखे।
আমি এখন খাবো না मेरे पापा मिठाई इतने खाते ना, हम आपको पापा का स्टोरी बताएंगे ना। एक सेकंड, क्या करते हैं पता है, शादी में मतलब किसी का शादी में जाएंगे तो वहाँ पे तो कितना भी खाओ रसगुल्ला, पापा मांगते रहते हैं। एक दिन तो पता है 25-30 रसगुल्ला खा गए, और ये भी थे 25-30 रसगुल्ला खाए। जो रसगुल्ला दे रहे थे ना, वो डर के मारे मेरे पापा के अगल बगल ले गए, वो आ ही नहीं रहा है पापा के डर से। पापा बैठे बोले रसगुल्ला क्यों नहीं आ रहा, हम लोग सब पापा को देख ले, पापा 30 रसगुल्ला खा गया। और सबको बोला तुम अगर रसगुल्ला नहीं खाओगे ना तो ले लेना, फिर हमको दे देना। ऐसे करके सबका थाली का रसगुल्ला ले लेके खा रहे थे। तो मारा का टिफिन लेने गए थे मिठाई दुकान में, हम सोचा कि ले लेते हैं, देख के मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था बेक रसगुल्ला। टेस्टी है वहां का टेस्ट। एक घाम छच देखो, तो दवा खाया ना, पंखा बंद किया ना, दवा सुबह खाया था। ছোট বয়স আরে ওইটা ঠিক আছে, কিন্তু এইটা তো থাকার কথা না, তুমি এটা দেখিয়ে নেবে কিন্তু না, তুমি তাও দেখো পাখা চালাও, ঘুমিয়ে যাচ্ছে এটা পাখা চালাও, পাখা গরম লাগা, পাঙ্গা বান কর দি, কুছ নেই হ্যায় ক্যা, কুছ নেই হ্যায় আর কি। শাশু জি কা আপ সেবা নি কর রহে হ্যায় আচ্ছে সে, কেসে ম্যালেরিয়া হো গিয়া, কিয়া তো কাহা কিয়া, হাত কিয়া, হ্যাঁ দবা দবা কে তো চলা গিয়া, বলে ফোন কর রহা তোমা मम्पी। अच्छा आप फोन पे तो बहुत लड़ती है मम्पी से, सामने लड़िए। मायरा बिल्कुल आप ही जैसा बोलती है, पट 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 एकदम। देवू देवू का बुलाएगा, काट देगा तुमको, कुछ 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 करके काटेगा। हाँ स्कूल छोड़ने के लिए देर सोच के देखे नहीं चले अच्छे दो काम। अरे तो अब छोड़ने के बाद डेढ़ घंटा बाद है, डेढ़ घंटे बाद लाने जाएंगे, तो सोचो ऐसे इधर आए आ गए गाड़ी से, आ गया तो खा के जा, खा के बना है ना वहाँ पे, बना है तो हम जाके खा लेगा। चलिए ना, आप तो आए भी नहीं करते हैं, हम मटर चाहिए खाता है, मछली नहीं खाता है। चलिए तीन दिन दुकान बंद के मेरा ब्लॉगिंग हो जाता। हाँ हम चिकन मटन खाता है, मछली नहीं खाता है। तो चिकन मटन खिलाएंगे, चलिए तो मछली बनाया, चिकन मटन नहीं खिला सकता आपको। हाँ तो चलिए चलिए, अभी लेगा तब जाएगा ना, गाड़ी लेके आए चलिए। मेरा मेरा मटन घर में है, लेके चलो मम्मी पापा को भी, 5 किलो मटन है। चलिए 4 बजे पापा का चेकअप है, हां चेकअप है, मेरा शूटिंग है, ठीक है, शुगर पापा के लिए, तुम्हारे पापा गोविंद जी इधर है, मेरा मालूम नहीं है। चलिए चलिए, हम नहीं जाएंगे, आप शूटिंग है ना, क्या बोल रही है, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मेरा घर है ना, मेरा मेरा 3-4-7 कराया है ना, फ्लैट है ना, चिकन काटा है ना, तो उसमें नहीं जाएगा तो तुम्हारे घर में क्या जाएगा, हम जाएगा मेरे घर में 20 सिक्योरिटी गार्ड है, आपको सेवा करेगा। नहीं नहीं मेरा घर में अच्छा अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, आपके घर में एक ही सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं नहीं कहाँ पापा नहीं है वो तो आपका आपका सेवा करते रहते हैं ना, और अब मेरे घर चलेंगे तो हम रहेंगे, शेखर रहेगा, अक्षय रहेगा, मायरा रहेगी, मम्पी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, हम 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 घर जाएगा, मेरा घर जाएगा, मेरा फ्लैट में जाएगा, हम गाड़ी है ना, गाड़ी आएगा तब जाएगा, गाड़ी आएगा तब जाएगा ना, हाँ गाड़ी लेके आए चलिए। नहीं ना, मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, छोटा छोटा गाड़ी है, एक गाड़ी दे दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बाबा हमको हम जब डेंगू हुआ था हमको तो ऐसे नहीं कर रहे थे, आके डेंगू हॉस्पिटल में भी लड़ाई कर रही थी, हॉस्पिटल में नहीं लड़ रही थी। अच्छा सही सही बताओ कि हम हॉस्पिटल में तो तुम नहीं लड़ रहे थे, पापा को हुआ तो बाबा आपको पता है मम्मी किसके ऊपर चढ़ा है, नाटी तो आई तो है नहीं, झगड़ा करने के लिए खड़ा है, कोई देखा नहीं है किसने खड़ा है, खेते दीदी तो फोन लेकर पीछे चलो ना,
अरे राहुल अभी सोच रहे इतना हाइट कैसे आपका हो गया। सास एकदम मस्त है। क्या कर रही है आप? हम देखा है अमन लाल की लड़की का पापा कितना प्यार करता है। बाबा कैसे कर रहे थे एक बार वापस बताइए ना। क्या बोला? बाबा कैसे कर रहे थे? बोला कि मम्मी नहीं आए। सुनो कल के बिट्टू आया तुम्हारे घर से। बोला छोटा ये लो हमारे सुने देखो बोलो ना गाय एक तो हाथ दिलो ना बीमार होता तो इंसान को प्यार थोड़ा चाहिए होता। रात 12 बजे खे आसते रात 12 जब बस तारा तारे तो देखा नहीं एबार तोर मा के बोलाम तुम ओषुधटा निये चले एसो এটা ভালো জিনিস রে বাবু। হ্যাঁ চাচি মাথা যন্ত্রণা না করলে এগুলো লাগাবি ভালো হয়ে যাবে। দাদা স্ট্রং মি নেই মাথা বহুত জাদা বাহ ঠিক হ্যাঁ মেরা সেরে ডন পাশে মাথা দেখা দেখা মাছলি দিগাই না মাছলি মমি বলে মেরে মাছলি বানায় কি মাছলি বানায় আপ সাসু মা আচ্ছা খানা বানাতে হয় মাছলি দেই ওপর যাকে আপ দোনো ব্যাঠি হম তোর পাপা কে পাস ব্যাঠি চল सेवा करना दाय हम जमुई में हम इसलिए बोले था कि मम्मी चिल्लाए पापा का सेवा करना चाहिए। तो अभी हम अपने सास के घर में लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और एसी का मजा लेंगे। क्या ये लिफ्ट का स्विच उधर है? उधर है लिफ्ट का स्विच उधर है किधर कुछ जगह बस पैर लगाना पड़ेगा पैर से स्विच दबाना। जितना बड़ा मेरा कैमरा उतना बड़ा तुम्हारा घर पूरा कैप्चर आ जा रहा। देखो पता नहीं कहाँ तक नहीं